हेलो एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस शेख। हाउ टू कुक दिस में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं KFC स्टाइल क्रिस्पी करारी फ्राइड चिकन, और वो भी पेपर मेयोनीज सॉस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है 1 किलो चिकन। ये चिकन के लेग पीस हैं, और ये क्वांटिटी में अगर गिने तो ये 10 पीस है। तो अब इसे इस फोक की मदद से प्रिक कर लेंगे। इसे बहुत ही अच्छे से प्रिक करना है, तभी हमारे मसाले अंदर तक जाएंगे। अगर आप चाहो तो इसे छुरी की मदद से कट्स भी लगा सकते हो। तो बस ये इसे करते जाना है। तो देखिए, मैंने सारे लेग पीस प्रिक कर लिए हैं। अब यहाँ पे एक खुला बर्तन ले लेंगे और उसमें हम डाल देंगे 750 ml छाछ यानी कि बटर मिल्क। अब इसमें ऐड करते हैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम सारे प्रिक किए हुए लेग पीस। बटर मिल्क की कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, बस सारे लेग पीस डूब जाए इतनी बटर मिल्क यूज़ करना। तो देखिए, हमने सारे लेग पीस डाल दिए हैं। तो अब इसे ढककर हम रख देंगे 4 घंटे के लिए। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो। ये देखिए, चिकन हमारी बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो गई है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये 2 ग्लास जितनी बटर मिल्क निकाल लेंगे एक बॉल में। इसमें ऐड करते हैं 2 अंडे। अब ऐड करते हैं 1 टीस्पून फ्राइड अनियन। इसको मैंने बारीक पीस लिया है। सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब ड्राई कोटिंग के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। मैदे को मैंने बहुत ही अच्छे से छान कर लिया है। और 1/2 कप ले लेंगे कॉर्नफ्लोर। इससे हमारी चिकन बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगी। अब ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और ये 1 टीस्पून वाइट पेपर। और साथ ही साथ ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ओरेगानो। अगर है तो डालें, वरना स्किप करें। अब सभी ड्राई मसालों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी कोटिंग भी तैयार हो गई है। तो अब एक पीस उठाएंगे और ये अंडे वाले घोल में इसे डिप करेंगे। अब इसके अंदर हम इसे बहुत ही अच्छे से कोट करेंगे। देखिए, इस तरीके से उंगली और अंगूठे के मदद से दबा दबा कर इसे कोट करना है। बस अब इसी प्रोसेस को वापस से दोहराना है। फिर से हम इसमें डिप करेंगे। मैदे की कोटिंग करेंगे और बस ऐसे ही हाथों से और अंगूठे से दबाते हुए इसको कोट कर लेना है, तभी हमारे अच्छे से लेयर दिखेंगे फ्राई करने के बाद। और तेल को हमने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था और फ्लेम को मीडियम रखना है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये लेग पीस हमारा, और इसी तरीके से हम बाकी के पीस भी कोट कर लेंगे। सबको लगता है कि ये रेसिपी बहुत ही हार्ड है, लेकिन आप मेरी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है।
तो बस इसी तरीके से हम कढ़ाई में जितने आए इतने ऐड कर देंगे और इसे एक मिनट के बाद फ्लेम को हमें लो कर देना है और लो फ्लेम पे ही इसे हमें फ्राई करना है करीब 15 से 20 मिनट तक। 5-5 मिनट के बाद इसे टर्न करते जाना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो अंदर तक। देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, तो अब इसे हम एक एक करके निकाल लेंगे। ये देखिए देखने से ही कितना क्रिस्पी और मज़ेदार लग रहा है, तब इसे निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। तब तक हम पेपर मेयोनीज सॉस की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप मेयोनीज ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे 3 टीस्पून केचप। अब ऐड करते हैं 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ही ओरेगानो। अब सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए हमारा बढ़िया सॉस भी तैयार हो गया। तो ये लीजिए तैयार है हमारी ज़बरदस्त क्रिस्पी KFC स्टाइल फ्राइड चिकन। ये देखिए आपको तोड़ के बताती हूँ, ये अंदर से भी कितनी ज्यूसी है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ज्यूसी है ना, मज़ेदार रेसिपी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, और ये स्क्रीन पे दिखने वाली वीडियो भी क्लिक करके ज़रूर देखते जाना।